कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल एक महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि उनके पिता अहमद पटेल आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा है कि 25 तारीख को सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया है। फैजल पटेल ने कहा कि लगभग एक महीने पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी आर्गन फेलियर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। फैजल पटेल ने लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे अहमद पटेल को 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। तब दिग्गज कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि जो मेरे नज़दीक की संपर्क में आए वो खुद को आइसोलेट कर लें। 71 साल के अहमद पटेल 3 लोकसभा के सदस्य रहे, 5 राज्यसभा के सांसद रहे। अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर अहमद पटेल संसद पहुंचे थे। हमेशा पर्दे के पीछे राजनीति करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस परिवार के विश्वस्त नेताओं में से एक गिने जाते थे। वे 1993 से राज्यसभा सांसद थे। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।